गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 6 और हमने शुरू किया था उत्सर्जन। लास्ट वीडियो में हम पादपों में उत्सर्जन पढ़ चुके थे। आज इस वीडियो में हम शुरू करते हैं मनुष्य में उत्सर्जन किस प्रकार होता है। उत्सर्जन मतलब शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। देखो, एक अपशिष्ट वो बनता है जब हम भोजन करते हैं, उसका पाचन होता है, तो उसमें कुछ ऐसे पदार्थ बच जाते हैं जिनका पाचन नहीं हो सकता या जो हमारे शरीर के लिए जरूरी नहीं है, उनको हमारे शरीर से बाहर निकालना होता है। वो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, लेकिन वह उत्सर्जन नहीं कहलाता, उसको बोलते हैं निष्कासन। उत्सर्जन का मतलब होता है जब कोशिकाएं कार्य करती हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि सभी जीवित वस्तुएँ कोशिकाओं से बनती हैं, तो वो कोशिकाएँ कार्य करेंगी। कार्य किस प्रकार करती हैं? कोशिकाएं नए पदार्थों का निर्माण करती हैं और नए पदार्थों का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रियाओं से। तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, कोई ना कोई नया पदार्थ जरूर बनेगा और उसके साथ कोई ऐसा पदार्थ भी बन सकता है जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता नहीं है, वही अपशिष्ट पदार्थ कहलाता है। तो उस अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से निकालना उत्सर्जन कहलाएगा। तो बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में अगर एक्युमुलेट हो जाए, मतलब इकट्ठे हो जाएं, तो वो टॉक्सिक होंगे, मतलब जहरीले पदार्थों का काम कर सकते हैं और हमारे शरीर की गतिविधियों में या बहुत सारे जो फंक्शन होते हैं उनमें अड़चन डाल सकते हैं या अल्टरेशन कर सकते हैं, इसलिए उनको शरीर से निकालना होगा। तो मेनली जो टॉक्सिक मटेरियल बनते हैं वो नाइट्रोजीनियस मटेरियल होते हैं। तो तीन तरह के नाइट्रोजीनियस मटेरियल बन सकते हैं जंतुओं के शरीर में। एक होता है अमोनिया, एक होता है यूरिया और एक होता है यूरिक एसिड। अलग अलग जानवरों में अलग अलग नाइट्रोजीनियस मटेरियल बनता है, मतलब अपशिष्ट पदार्थ नाइट्रोजन युक्त होता है। नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ बनते हैं वो ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, इसलिए उनका रिमूवल जरूरी है। क्यों बनते हैं नाइट्रोजन युक्त पदार्थ? जब हमारे बॉडी में प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है, जो एक्स्ट्रा प्रोटीन होगा उसके ब्रेकडाउन से हमारी बॉडी में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटीन के स्ट्रक्चर में, प्रोटीन के अगर हम संरचना बनाए, मतलब प्रोटीन में अमीनो एसिड होते हैं, हम बहुत सारे अमीनो एसिड के जुड़ने से बनता है प्रोटीन, और प्रोटीन जब टूटता है तो उससे नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ बन सकते हैं। तो उत्सर्जन की परिभाषा क्या है? शरीर से नाइट्रोजीनियस मटेरियल को निकालना, मतलब नाइट्रोजन युक्त विषैले पदार्थों को शरीर से निकालना उत्सर्जन कहलाता है। तो उत्सर्जन के लिए हमारी बॉडी का कोई ना कोई तंत्र कार्य जरूर करता है। जिस प्रकार हमने पढ़ा कि ग्लूकोज का टूटकर ऊर्जा देना श्वसन है, लेकिन उस ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए जो श्वसन में काम आती है उसके लिए पूरा पूरा एक तंत्र काम करता है। ऐसे ही जो वेस्ट मटेरियल बनता है, मतलब नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बनते हैं, उनको शरीर से निकालने के लिए पूरा का पूरा एक सिस्टम काम करता है, और उस सिस्टम को बोलते हैं, उस तंत्र को बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। हम इस उत्सर्जन तंत्र को पूरे डिटेल में पढ़ते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, जो मुख्य रूप से नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जंतुओं में बनते हैं उनमें होता है, एक होता है अमोनिया NH3, एक होता है यूरिया और एक होता है यूरिक एसिड। अब किस में क्या बनता है वो निर्भर करता है पानी की मात्रा पे। जल की मात्रा अगर अधिक है तो उन जीवों में बनता है अमोनिया, क्योंकि पानी में घुलनशील है। अधिक पानी मिल जाएगा तो अमोनिया बॉडी के अंदर अधिक बनेगा। उसके बाद, और देखो अमोनिया ज़्यादा टॉक्सिक है और यह हमारी बॉडी के अंदर स्टोर भी, ये तो हमारी बॉडी के अंदर बनता ही है, मतलब ये अधिक टॉक्सिक है तो ये बॉडी के अंदर स्टोर नहीं किया जा सकता। उसके अलावा यूरिया जो होता है, यूरिया किन जानवरों में बनता है? जिनमें पानी की मात्रा कम होती है, मतलब बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, मॉडरेट वाटर जिनको मिलता है, जैसे हम हैं, हम पानी में भी नहीं रहते, लेकिन जब हम चाहें हमें पानी अवेलेबल हो जाता है, तो हमारे अंदर जो नाइट्रोजीनियस मटेरियल बनता है वो होता है यूरिया। यूरिक एसिड उनमें बनता है जिनमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे इंसेक्ट्स में बनता है और बर्ड्स में बनता है। तो हमारा नाइट्रोजीनियस वेस्ट कौन सा है? यूरिया। बनता कहाँ पे है? ये बनता है लीवर में। लीवर में किससे बनता है? अमोनिया से बनता है। अमोनिया किससे बनती है? प्रोटीन के ब्रेकडाउन से अमोनिया बनती है, फिर अमोनिया से यूरिया बनता है NH2CO
NH2, ये स्ट्रक्चर होता है यूरिया का। तो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जुड़कर निर्माण करते हैं किसका, यूरिया। बनेगा कहां पे, लीवर में। फिर लीवर इसको मिला देता है रक्त में। अब रक्त इसको उस पार्ट में लेके जाएगा जो इसको रक्त से बाहर निकालेगा, और वो पार्ट कौन सा है, वो है उत्सर्जन तंत्र। तो पूरा का पूरा तंत्र है ये, एक अंग तंत्र है, और मैंने बताया अंग तंत्र है तो अंगों के जुड़ने से बनता है। तो अंग तंत्र में कौन कौन से अंग है, उस इस उत्सर्जन तंत्र में, ये उत्सर्जन तंत्र का चित्र है। इसमें दो किडनी है, ये किडनी है, इनको वृक्क बोलते हैं हिंदी में। यहाँ से दो ट्यूब निकलती है, इनको बोलते हैं मूत्र वाहिनी। ये है मूत्राशय जिसके अंदर यूरिन इकट्ठा होता है, जो बनता है वेस्ट मटेरियल वो इकट्ठा होता है इसके अंदर, और जब ये भर जाता है तो इसको यूरिन को बाहर निकालने के लिए होता है मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा जिसको बोलते हैं। मनुष्य में, मानव में मूत्र के लिए और स्पर्म के लिए एक ही मार्ग होता है। बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जिनमें यूरिन के लिए और स्पर्म के लिए अलग अलग मार्ग होता है, लेकिन मनुष्य में एक ही होता है। ये जो किडनी है, वृक्क जिनको बोलते हैं, इनकी लोकेशन क्या है, ये हमारी बॉडी में इस यहाँ पीछे बैक साइड में थोड़ी सी होते हैं, इस साइड यहाँ पीछे की तरफ लोकेटेड होते हैं, यहाँ लोकेटेड होते हैं। ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब आगे जाके आगे ऐसे चले जाएंगे, और यहाँ होता है क्या, ये मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर जिसको बोलते हैं। तो ये बनाती है यूरिन। यूरिन ऐसा नहीं है कि यूरिन में सारा यूरिया ही है, यूरिन में 90% तो जल ही होता है, पानी होता है 95% लगभग। तो ये जो बनाएंगी चीज, वो अपशिष्ट पदार्थ है, वो बनाएंगी, फिर वो इसमें से होके इसमें इकट्ठा हो जाएगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये इसकी नॉर्मल सा काम है। आएगा कहाँ इसमें, देखो ये बनाएंगी तो बनाएंगी किससे, रक्त से, क्योंकि लीवर ने क्या किया था, यूरिया को रक्त में मिला दिया था। ये क्या करेगी, उस रक्त को छानने का काम करेगी, मतलब उसमें से यूरिया को निकालने का काम करेगी। तो यहाँ पे रक्त को पहुंचाया जाएगा तभी तो ये छानेगी। तो ये जो है, ये वाली, ये है वृक्क धमनी, रीनल आर्टरी, मतलब जो इसमें रक्त को लेके आएगी, ये रक्त को इसमें देगी, फिर इसके अंदर रक्त छन के वापिस इसमें से आएगा और इसमें से जाएगा। ये है वृक्क शिरा, ये है वृक्क धमनी जिसमें अपशिष्ट पदार्थ है, हालांकि इसमें ऑक्सीजन भी है, इसको ऑक्सीजन चाहिए इसकी कोशिकाओं को, तो ये ऑक्सीजन ले लेगी, और साथ में इसमें जो अपशिष्ट पदार्थ है, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ, उनको छान लेगी, और जो रक्त होगा दोबारा वो इसमें वापिस चला जाएगा, और इससे बॉडी में होता हुआ चला जाएगा हार्ट में। ये काम करती है। हमारी जो राइट किडनी होती है वो थोड़ी सी नीचे होती है किसके कंपैरिजन में, लेफ्ट वाली से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लीवर होता है, लीवर होने की वजह से ये थोड़ी सी नीचे होगी किससे, लेफ्ट वाली से। एक किडनी का वेट लगभग 300 से 350 ग्राम होता है भाई। ये बीन शेप की होती है, बीन शेप, बीन मतलब सोयाबीन, देखी होगी आपने तो उसकी आकृति की है, देखो बीन शेप की होती है, बात समझ में आई। तो अब हम ये लोग इसकी संरचना किसकी, उत्सर्जन तंत्र की, ये चित्र पेपर में आता है तो ये बनाना आना चाहिए। और इस चित्र में प्रत्येक के कार्य क्या है, वृक्क का कार्य है रक्त को छानना मतलब फिल्टर करना, और उसमें से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना। ये मूत्रवाहिनी है, मूत्रवाहिनी का कार्य है वो जो अपशिष्ट पदार्थ निकला उसको मूत्राशय तक पहुंचाना। मूत्राशय का कार्य है मूत्र को इकट्ठा करना, टेम्परेरी स्टोरेज, मतलब जब तक ये आधे से ज्यादा नहीं भर जाता तब तक इसको स्टोर करके रखता है, और फिर इसको मूत्र मार्ग से बाहर निकाल दिया जाता है। इसका कनेक्शन ब्रेन से होता है, जैसे ये आधे से ज्यादा भरता है तो इसकी वॉल में जो इसकी दीवारें होती है इनमें ये समझ लो सेंसरी सिस्टम है, तो हमारे ब्रेन को मैसेज पहुंच जाता है और हम दौड़ लगाते हैं इसको बाहर निकालने के लिए। ठीक है, ये इसकी संरचना होगी। अब इसके अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो रक्त को छानने का काम करती है, मतलब क्या, हम इसके वर्किंग देखते हैं, मतलब किडनी की वर्किंग। किडनी में जिस प्रकार हमने पढ़ा लंग्स, फेफड़े की जो यूनिट है काम करने वाली, जो हकीकत में काम करती है, बाहर से फेफड़े तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन अंदर जो उसकी जो मेन वर्किंग यूनिट है वो होती है उसमें कूपी का, ऐसे ही
एक किडनी दिखाई तो दे रही है कि ये छानने का काम कर रही है, लेकिन इसके अंदर जो है जो वर्किंग करती है उसको बोलते हैं वृक्काणु। वृक्काणु, वृक्काणु किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक मतलब पूरी की पूरी किडनी का निर्माण वृक्काणुओं के जुड़ने से बनता है, और क्रियात्मक मतलब इसकी जो फंक्शनिंग है वो वृक्काणु ही करती है। वृक्काणु को बोलते हैं इंग्लिश में नेफ्रॉन। नेफ्रॉन लगभग 10 लाख नेफ्रॉन इसके अंदर भरे होते हैं। ठीक, तो अब वो किस प्रकार कार्य करते हैं हम थोड़ा सा वो देख लेते हैं। देखो मैंने ये किडनी को उठा के ये बना दिया, इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया मैंने इसका। ये आई गई क्या, वृक्क धमनी। ये अंदर जैसी जाएगी इसकी ब्रांचेज हो जाएंगी, बहुत सारी ब्रांच ऐसे फैल जाएंगी अलग अलग। इसकी एक ब्रांच निकल के ये गई, ये किस में गई, ये जो मैंने बनाया है कटोरा सा, ये मतलब ये कटोरे से को ये चीज हुआ। यहाँ देखो ये जो चीज है ये वाली, इसको बोलते हैं वृक्काणु जो किडनी के अंदर है जो सच में काम करती है। तो इसकी संरचना यहाँ देख लो, मैंने यहाँ वृक्काणु बनाया है। तो ये वृक्काणु है, इसके अंदर से उठा के मैंने इसको बड़ा करके दिखा दिया। बहुत छोटे छोटे इसके अंदर लगभग 10 लाख वृक्काणु इसके अंदर होते हैं जो काम करते हैं। तो ये वृक्काणु है जो इसके अंदर फिट है। काम कैसे होगा, देखो ये यहां से शुरू होके ये मुड़ा थोड़ा सा और ये गया ये और ये पूरा यहां तक क्या है, एक वृक्काणु है। इस वृक्काणु के चार मुख्य भाग होते हैं भाई। कौन सा, एक होता है ये कटोरा सा जिसको बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। एक ये जो मुड़ा थोड़ा सा इसको बोलते हैं पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, समीपस्थ नलिका। और ये जो नीचे गया है ये वाला ऐसे घूम के जो गया इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। और ये जो है पीछे वाला इसको बोलते हैं डीसीटी। ये पीसीटी पहले का, पहले वाली नली, समीपस्थ नलिका, ये है डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। ये प्रोक्सिमल है PROXIMAL, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड, कॉन्वोल्यूटेड का मतलब है मुड़ी हुई, ट्यूबुल मतलब ट्यूब। यह डिस्टल मतलब दूर की, DISTA, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। ठीक है, कौन सी, ये वाली। ये इसके पार्ट मैंने बता दिए, किसके, वृक्काणु की। वृक्काणु क्या, किडनी की वृक्क की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई, मतलब मेन जो कार्य होगा वृक्क इनका यही करेगा वृक्काणु ही। तो इसकी संरचना, वृक्काणु की संरचना में क्या हो गया, चार भाग, एक ये कटोरा सा बोमेन कैप्सूल, एक ये मुड़ा थोड़ा सा पार्ट है ट्यूब है ये जिसका नाम है पीसीटी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, और ये यू शेप का जो बना हुआ है इसका नाम है लूप ऑफ हेनले, और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। ये जो है ये पीछे जो ये ट्यूब है इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, मतलब ये क्या करेगी, ये जो इसमें बनने वाला पदार्थ है उसको कलेक्ट करेगी। ये इसका पार्ट नहीं है, ऐसे ऐसे बहुत सारे वृक्काणु इसमें जुड़ते हैं। देखो ये यहाँ पे भी और ऊपर भी ऐसे, यहाँ दूसरा कोई वृक्काणु जुड़ा होगा, बहुत सारे वृक्काणु जुड़ के आगे निकल जाते हैं, बड़ी एक ट्यूब बनाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये तो होगी इसकी संरचना। ये होगी भाई इसकी संरचना, किसकी, वृक्काणु की। अब इसका कार्य देखते हैं हम क्या करते हैं। देखो यहां से ये जो धमनी है अंदर गई, ये मैंने बनाई किडनी के अंदर, ये गई ठीक है। अंदर जाके इसकी बहुत सारी ब्रांच हो जाती है, मान लो एक ब्रांच ये आई, आगे जाके इस ब्रांच की छोटी छोटी बहुत सारी ब्रांचेज हो जाएंगी, ये केशिकाओं में बदल जाएगी, कैपिलरीज में ये बदलेगी। देखो ये कितनी सारी इन कैपिलरीज में, ये कैपिलरीज परमिएबल है मतलब इनकी दीवारें बहुत पतली होती है, ये थोड़ी मोटी होती है और ये थोड़ी पतली होती है, इसको बोलते हैं एफरेंट आर्टरी। एफरेंट मतलब आने वाली, AFFERENT, एफरेंट आर्टरी। ठीक, और ये होती है ई फ्रंट आर्टरी। ठीक है, अब हमें पता है कि धमनियों में रक्त बहुत अधिक प्रेशर के साथ आता है, तो जब इसमें रक्त आएगा बहुत अधिक प्रेशर के साथ और इनमें केशिकाओं में पहुंचेगा,
तो केशिकाओं में रक्त बहुत प्रेशर के साथ होगा, क्यों होगा, क्यों, क्योंकि आगे की ट्यूब जो है वो पतली है, पीछे की चौड़ी है, तो जब पीछे से धक्का लगेगा तो आगे की ट्यूब पतली होने के कारण इसमें प्रेशर और बढ़ जाएगा। तो इसके अंदर से बहुत सारी चीजें, किसके अंदर से, इन ट्यूब में से बहुत सारी चीजें फिल्टर हो जाएंगी इन नलियों में से, किसमें, इसके अंदर, इस कटोरे से फिल्टर हो जाएंगी जिसका नाम है बोमन कैप्सूल। कौन कौन सी चीजें फिल्टर हो जाएंगी उसमें, भाई वैसे तो ग्लूकोज भी हो जाता है, बहुत सारा पानी भी निकल जाता है, बहुत सारे सॉल्ट्स भी निकल जाते हैं और यूरिया भी निकल जाता है, ठीक है, ये इसमें आ जाएगा, किसके अंदर, बोमन कैप्सूल के अंदर। अब जब आगे की जो ट्यूब है, देखो ये वाली ट्यूब जो एफरेंट आर्टरी है जो निकल के आई थी, ये दोबारा से इस ट्यूब के ऊपर से लिपट के जाएगी वापस। ये क्यों जाएगी, ये मैं अभी बताता हूं कि ये क्यों जाती है, इसका कार्य क्या है। तो बोमन कैप्सूल में फिल्ट्रेशन हुई, फिल्ट्रेशन क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर बहुत अधिक है, जो द्रव आया उसके ऊपर प्रेशर बहुत अधिक होता है, तो वो प्रेशर के कारण इसमें से बहुत सारी चीजें निकल के इसमें आ जाएंगे जो बारीक होंगी, जो मतलब प्लाज्मा में गोली होंगी। तो प्लाज्मा में गोली होती है, उनसे ग्लूकोज, जल तो है, साल्ट गुले होते हैं, यूरिया भी गुला होता है, तो वे सारी इसके अंदर निकल जाएंगी। अब जब वो इसके अंदर आएगा, इसमें से कोशिकाएं निकल के नहीं आएंगी, ये मत समझना कि इसमें WBC RBC वगैरह वो नहीं निकल सकती, क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है। अब जैसे जैसे वो अंदर जाएगा, देखो लगभग एक दिन में, या ये समझ लो लगभग 120 लीटर फिल्ट्रेशन होती है, मतलब 120 लीटर द्रव को ये फिल्टर करता है, ये जो गुच्छा बनता है केशिकाओं को, इसको बोलते हैं केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस, इंग्लिश में कहेंगे ग्लोमेरुलस। तो ये ग्लोमेरुलस लगभग 120 लीटर द्रव को फिल्टर करेगा इसके अंदर। लेकिन क्या हम 120 लीटर द्रव छोड़ते हैं बाहर, नहीं, यूरिन तो सिर्फ 1 से 1.5 लीटर बनता है, 1 से लेकर 1.5 लीटर 24 घंटे में यूरिन बनेगा हमारे अंदर, जिसको हम बाहर छोड़ते हैं। जबकि इसने फिल्टर कितना किया, 120 लीटर रक्त आता रहेगा, ये फिल्टर करता रहेगा, आता रहेगा, तो 120 लीटर तो पूरा रक्त भी नहीं बॉडी में, तो वो जो इसने इतना फिल्टर किया वो कहाँ गया फिर। देखो वो जब इसमें से चलेगा, इसमें से, तो वो दोबारा से रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, ये जो ट्यूब दोबारा आई है, रक्त इसके ऊपर से घूम के गई है, ये जानबूझ के इसके ऊपर लिपटती है, क्यों, ताकि इसके अंदर जो कुछ यूजफुल चीजें भी तो इसके अंदर आ जाएंगी ना, जो हमारे काम की है, वो दोबारा से रीएब्जॉर्ब हो जाएंगी, मतलब उनको चूस लिया जाएगा, दोबारा से उनको पुनर्अवशोषण हो जाएगा, जैसे ग्लूकोज है, हमारी यूज की चीजें हैं, वो आगे इसमें इसको दोबारा से अवशोषित कर लिया जाएगा, इसमें, इसके अंदर, ये जो एफरेंट आर्टरी है जो इसके ऊपर लिपट के गई है, दोबारा से इसमें ग्लूकोज को अवशोषित करके इसमें पहुंचा दिया जाएगा। लगभग जो जल था इसमें, मैक्सिमम वाटर को भी रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, किसमें पहुंचा दिया जाएगा, इसके अंदर, इस धमनी में, और इसके अलावा बहुत सारे लवण जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है वो भी दोबारा से रीएब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। अमीनो एसिड अगर इसमें कोई निकल जाए, अमीनो अम्ल जो हमारे काम का है, वो भी अवशोषित, जैसे जैसे इसमें से द्रव आगे बढ़ता रहेगा, इस तरह आगे बढ़ता रहेगा, तो पुनः अवशोषण होता रहेगा, इसमें से काम की चीजें बाहर निकलती रहेंगी, और ये आगे जैसे जैसे बढ़ता रहेगा, इसमें सिर्फ वो पदार्थ रह जाएगा जो अपशिष्ट होगा, जो हमारे काम का नहीं होगा, बात समझ में आई। और जो अवशोषित हो गया है वो अवशोषित भाग कहाँ जाएगा, वो इस धमनी के अंदर चला जाएगा, और ये धमनी जाके दोबारा से कहाँ मिल जाएगी, ये धमनी जाके दोबारा से इस शिरा में मिल जाएगी। देखो ये बाहर गई है, बात समझ में आई। तो देखो ये तो आई थी, इस ये बोमन कैप्सूल इसमें गई, फिल्ट्रेशन किया, ये आगे जाके देखो ये वाला भाग है, ये वाला, ये इसमें मिल गया यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं, इधर भी है, और एक इधर खुल रहा है, एक यहाँ से खुल रहा है, मान लो ये इस प्रकार, ये ऐसे बहुत सारे खुलेंगे यहाँ, और फिर जब यहाँ से एक नली निकलेगी, ये ऐसे पूरी दीवार है, ये समझ लो इस प्रकार, ये पूरा खाली जगह है,
तो ये सारे यहाँ खुलेंगे, ये भी खुलेगा, ये भी खुलेगा। ये जो कलेक्टिंग डक्ट है सारा का सारा पदार्थ लेके, ये जो ओपनिंग है ये यहाँ खुल रही है, ये खुल रही, ये खुल रही, तो ये सारे का सारा जो इकट्ठा करके आगे छोड़ देगी। कहाँ छोड़ देंगे? इसमें। और ये सारा कहाँ जाएगा? आगे आगे बढ़ जाएगा। किसके अंदर? इसके अंदर, मूत्र वाहिनी के अंदर। इस प्रकार नेफ्रोन मतलब वृक्काणु कार्य करते हैं, और वृक्काणु ही इसके अंदर क्रियात्मक इकाई है। बात समझ में आ गई? अब ये तो हो गया भाई, देखो मैंने ये गई, फिल्ट्रेशन हुआ, द्रव पदार्थ जो अपशिष्ट पदार्थ था उसको निकाला, जो कान की चीज थी उसको पुनर्वशोषण हुआ, और जो बच गया वो आगे बढ़ जाएगा इसके अंदर कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, कलेक्टिंग डक्ट से होता हुआ फिर इसके अंदर भर जाएगा। जो मटेरियल निकलता रहेगा, हम 24 घंटे में 1 से 1.5 लीटर यूरिन ही छोड़ते हैं। जब भी हमारे मूत्राशय आधे से ज्यादा भर जाता है तो इसके अंदर ऐसे ऊतक होते हैं जिनके अंदर सेंसर लगे होते हैं, समझ लो मतलब मैसेज मिल जाता है ब्रेन को। जब आधे से ज्यादा भर जाएगा तो हमें फीलिंग आएगी कि हमें इसको खाली करना चाहिए, और हम बाथरूम जाएंगे और इसको खाली करके आएंगे। तो इस प्रकार हमारी किडनी काम करती है, ठीक है भाई। अब जो हम बाहर छोड़ के आते हैं मतलब बाथरूम में, उसको बोलते हैं यूरिन। वो यूरिया नहीं है, यूरिया तो इस यूरिन में एक थोड़ा सा भाग है मुख्य रूप से। तो यूरिन जो होता है, जो हम छोड़ के आते हैं, उसमें 90 से 95% तो वाटर ही होता है भाई, याद रखना ये बात। और 3-4% इसमें यूरिया होगा, बहुत सारे कुछ लवण भी होते हैं जो हमारे काम के नहीं होते। तो यूरिया होता है और 90 to 95% वाटर होता है। इसकी पीएच होती है 6, मतलब क्या? स्लाइटली एसिडिक, थोड़ा सा एसिडिक होता है हमारा यूरिन, और येलोइश होता है कलर में, थोड़ा थोड़ा सा पीला सा होता है। तो इसमें ये येलोइश कलर किसके कारण होता है? ये होता है, इसमें पिगमेंट होता है यूरोक्रोम, यूरोक्रोम, यूरोक्रोम नाम का एक पिगमेंट है यूरिन के अंदर, जिसके कारण इसका पीला रंग होता है। इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल भी होती है, मतलब यूरिन की एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल भी होती है। वो किसके कारण होती है? वो होती है यूरिनोड के कारण, यूरिनोड कोई केमिकल है इसके अंदर, यूरिनोड, जिसके कारण इसकी कैरेक्टरिस्टिक एक अजीब सी स्मेल आती है जो यूरिन में। यूरिन अगर कुछ टाइम के लिए ऐसे पड़ा रहे तो अमोनिया के अंदर टूट जाता है, तो वहां से फिर अमोनिया की स्मेल आना शुरू हो जाती है, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा क्या? उत्सर्जन तंत्र, मानव में उत्सर्जन तंत्र। जितने कोशिकाएं अपशिष्ट पदार्थ बनाती हैं, इसके अलावा ये तो होगा भाई नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ जो बनते हैं उनको निकालने का काम किसने किया? हमारे उत्सर्जन तंत्र ने। कुछ अपशिष्ट पदार्थ जो गैसियस अपशिष्ट पदार्थ है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी तो बनती है हमारे शरीर में, ये भी तो अपशिष्ट पदार्थ है। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलेगी? वो हम पढ़ चुके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं से, ये कोशिका है मान लो, ये कोशिका है और ये केशिका है, कार्बन डाइऑक्साइड किस में जाएगी? केशिकाओं में छोड़ दी जाती है। केशिका में क्या है? रक्त। रक्त के में क्या है? प्लाज्मा। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये प्लाज्मा के अंदर घुल जाएगी। प्लाज्मा में वाटर होता है H2O, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ घुल के बनाती है कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये बनाया जाए इस फॉर्म में, इस रूप में कार्बन डाइऑक्साइड चलती है प्लाज्मा के अंदर और पहुंचेगी फेफड़ों के पास, और फेफड़ों के पास ये कार्बोनिक एसिड जो है ये दोबारा से टूट जाएगा किसमें? H2O में और CO2 में, और ये CO2 किसको दे देगा? फेफड़ों को, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। तो अपशिष्ट पदार्थ बना कार्बन डाइऑक्साइड, उसको फेफड़ों द्वारा बाहर छोड़ दिया। नाइट्रोजन युक्त जो अपशिष्ट पदार्थ बने उसको हमारे उत्सर्जन तंत्र ने बाहर निकाल दिया, और जो पाचन में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनको निष्कासन विधि द्वारा बाहर निकाल दिया। इसके अलावा बहुत सारी दूसरी चीजें भी हैं। देखो जैसे कई बार हम क्या करते हैं, ऐसे खींचते रहते हैं तो अंदर जो हमारा जो अंदर मटेरियल जाता है हमारे गले से अंदर पहुंच जाएगा पेट के अंदर, तो वो जो होता है उसको म्यूकस बोलते हैं, हमारे गले में भी होता है वो। किस लिए? वो लाभदायक है, मतलब बैक्टीरिया वगैरह को अंदर जाने से रोकता है, उनको चिपका लेता है।
लेकिन वो म्यूकस बहुत ज़्यादा अगर भर जाएगा फेफड़ों में तो वो हानिकारक है, इसलिए हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होती है मतलब गले की जो नली होती है उसमें बहुत सारे सीलिया हैं वो बीट करते रहते हैं, मतलब धागे से हैं जो उसको ऊपर धक्का देते रहते हैं बाहर निकाल देंगे, तो हम उसको खींच के गले में ले जाएंगे, गले से पहुँच जाएगा कहाँ हमारे पेट में, पेट से छोटी आँत में और वहाँ अपशिष्ट पदार्थ के साथ बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार अलग अलग तरीके से अपशिष्ट पदार्थों का हमारा शरीर निवारण करता है। कई बार किडनी में रोग भी हो जाते हैं भाई, एक कैडमियम की कमी से रोग हो जाता है, कैडमियम एक तत्व है उसको बोलते हैं इटाई इटाई रोग, इटाई इटाई किडनी का रोग है उसकी कमी से, कैडमियम की कमी से हो जाता है। तो ये था भाई हमारा उत्सर्जन तंत्र और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो को फिर देखो, फिर भी ना आए तो फिर देखो, फिर भी नहीं आए तो कमेंट करो, हम बैठे हैं फिर दे बताएंगे, कोई समस्या नहीं है। ठीक है भाई, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।